अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 लास्ट वीडियो में कर लिया था, पार्ट 2 भी करने लगे हैं। कैलकुलेट लॉग 3 टू द बेस 5 मल्टीप्लाई बाय लॉग 25 टू द बेस 3। सो यहाँ पे हम रूल 4 यूज़ कर रहे थे या ला 4 यूज़ कर रहे थे लॉगरिथम का, जिसमें हमारे पास लॉग 4 हमारे पास लॉग एन टू द बेस ए इज इक्वल टू लॉग एन टू द बेस बी ओवर लॉग ए टू द बेस बी, यानी एक थर्ड बेस खुद से कंसिडर करके उनको जो दोनों नंबर हैं उनके लॉगरिथम का हमने क्वेश्चन ले लेना है या उनकी फ्रैक्शन ले लेनी है। सो इस जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि हम जो ये जो बी था वो बी हम 1 सपोज कर रहे थे और जो 1 बेस होती है वो शो नहीं करते होते हैं। सो हमारे पास एक दफ़ा फिर से मैं एक दफ़ा क्वेश्चन को लिख लेती हूँ। लॉग 3 टू द बेस 5 मल्टीप्लाई बाय लॉग 25 टू द बेस 3। सो जब इसके ऊपर रूल लगा रहे हैं हम, तो जब इसके ऊपर ये देखें ये इस तरह की फॉर्म है लॉग एन टू द बेस ए, तो ये लॉग एन टू द बेस ए इसको अगर कंसिडर करें तो हमें, मैंने कहा कि हम बी यहाँ पे 1 लेंगे तो और 1 वो शो नहीं करना, तो लॉग एन में हमारा आ जाएगा लॉग 3 और डिनोमिनेटर में लॉग ए यानी लॉग 5 मल्टीप्लाई। अब सिमिलरली अब इजीली ये भी हो जाएगा लॉग 25 ओवर लॉग 3। तो लॉग 3 और लॉग 3 कैंसिल आउट हो गए हैं, हमारे पास जस्ट यहाँ पे लॉग 5 रह गए मल्टीप्लाई लॉग 25। अब 25 जो है ये हमारे पास होता है 5 स्क्वायर होता है, ठीक है 25 हमारे पास होता है 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको अगर 5 स्क्वायर लिखें तो हमें पता है जो हमारे पास लॉ है इसका थर्ड लॉ उसको हम यूज़ करते हैं, जो क्वेश्चन लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग। लॉ 3 हमें कहता है कि लॉग ए एन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कोई नंबर है तो लॉगरिथम से पहले उसकी पावर आ जाएगी, एन लॉग ए हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास लॉग 5 स्क्वायर है, यानी यहाँ पे एन जो है वो 2 है, तो एन हमारा पीछे आ जाएगा 2 लॉग 5 आ जाएगा। तो सो अब ये फॉर्म आ गया 1 ओवर लॉग 5 मल्टीप्लाई 2 लॉग 5, लॉग 5 कैंसिल आउट हो गया एंड 2 1 इज़ 2, दिस इज़ द आंसर।